हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड रुकना जरा, मैं लगा लूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सर क्या चीज़ है ये? अजीब सा नाम लग रहा है, पढ़ते हैं जरा। जॉन न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने एंड फाउंड दैट 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 and found that 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 every eighth element had properties similar to the property of the first element. यानी फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी। जस्ट एज द एट नोट ऑफ म्यूजिकल ऑक्टेव इज द सेम एज द फर्स्ट नोट ऑफ फर्स्ट नोट। ओके सर, ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऑक्टेव सुर, जिस तरह से म्यूजिकल ऑक्टेव का फर्स्ट नोट की तरह सेम होता है ना, उसी तरह से हर एल तरह से होता है, तरह से होता है, तरह से होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए उन्होंने इस प्रॉपर्टी को नाम किया ल्यूलैंड्स ल्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब क्या? सारे गामा पा धा नि सा। तो पहला वर्ड क्या इसमें? सा। एक दो तीन, 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 चार पाँच छः सात, ये ना आठ उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे सा। तो पहला आठवां सेम है लेटर, इस तरह से वो कह रहे हैं। जिस तरह से म्यूजिकल ऑक्टेव का एट और फर्स्ट नोट सेम होता है, प्रॉपर्टीज भी सेम थी, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया म्यूजिकल ऑक्टेव। और संगीत इस चीज़ पर ध्यान क्यों गया? लिखा लवर ऑफ म्यूजिक, गाने इनको बहुत पसंद थे, तो गाने की तरफ उनका ध्यान चला ही गया। तो उन्होंने इसको गाने से रिलेट करके एक प्रॉपर्टी बना दी है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन न्यूलैंड्स गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। उन्होंने इस प्रोसेस को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी असेंडिंग ऑर्डर में, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट इस एलिमेंट एनी एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। समझ आया? यहाँ पे लिखा है एवरी एथ एलिमेंट एनी एलिमेंट मतलब क्या है? आप वन और एट को देख लो तो ये सेम होंगे। सर मैं वन से नहीं, मैं टू से काउंट करता हूँ। सर टू से नाइन देख लो, ये भी सेम होंगे। सर थ्री से टेन देख लो तो अभी सेम होंगे कहीं से भी, लेकिन उनके बीच में आठ का डिफरेंस होगा तो वो नंबर सेम होंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, बेसिकली सेम नहीं बट सिमिलर होंगी। ठीक है, देख लो इन तीनों केस में जो मैंने एग्जाम्पल दिया के बीच में इन तीनों के भी का ही है, एट एट का ही है। ठीक है, ये कुछ वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम में जी डो रे मे फा समझा, इंडियन म्यूजिक सिस्टम समझा, इंडियन म्यूजिक सिस्टम समझा, इंडियन म्यूजिक सिस्टम में सारे गामा पा धा नि सा। ठीक है, तो पहले इन्होंने एक लिया एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर बी एक होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से ठीक है। न्यूलैंड डिवाइडेड द एलिमेंट्स टू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ सेवन एलिमेंट्स सच एज सब एलिमेंट्स एज सोन अबव द नोबल इन दैट इज नॉट नोन एट द टाइम, नॉट नोन एट द टाइम। वो कह रहा है वो कह रहे हैं उन्होंने वो सेवन एलिमेंट जो एलिमेंट्स है ना हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ सेवन एलिमेंट्स, उनको सेवन एलिमेंट्स के रोज में डिवाइड किया। सर एलिमेंट्स ही क्यों, गैसेस क्यों नहीं है? उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो पाई थी, उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो पाई थी। ठीक है, सर इनके क्लासिफिक क्लासिफिक में जो सुपर है
पिछले जो हमने क्लासिफिकेशन कल पढ़ा था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी, क्या ये ठीक है? नथिंग इज परफेक्ट, 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 प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, कमियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनके देखने में अच्छा ही क्या बुरा क्या है। द सिस्टम वर्क क्वाइट वेल फॉर द लाइट एलिमेंट्स, जो हल्के हल्के एलिमेंट्स हैं ना उनके ऊपर तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सूट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, गैसोलीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। इट रिलेट्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास, इन्होंने उनके प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से रिलेट किया, ये भी एक अच्छी बात है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एक डिफरेंट, एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट होना, एक डिफरेंट पीरियोडिसिटी, एक टाइम टेबल के हिसाब से लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग लोगों को टाइमिंग के बारे में पता चला। ठीक है, न्यूलैंड वॉज ऑनर्ड इन 1887, इनको 1887 में अवार्ड भी मिला इसके लिए, इस क्लासिफिकेशन के लिए। द रॉयल सोसाइटी, द रॉयल सोसाइटी, द रॉयल सोसाइटी प्रेजेंटेड द डेवी मेडल, डेवी मेडल टू न्यूलैंड इन 1887 फॉर इज वर्क ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सर आज के टाइम इसको क्यों नहीं करते हैं, यानी कोई कमियाँ, यानी कोई डी मेरिट्स, तो क्या रीजन थे उसके, या हैं आज भी? द क्लासिफिकेशन वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सो वर एलिमेंट्स, सो वर्ड आउट हैवियर, सो वर्ड आउट हैवियर, सो वर्ड आउट हैवियर, सो वर्ड आउट हैवियर, तो लिखा हुआ है दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विद हैवी एलिमेंट्स, दैट इज जो कि कैल्शियम के आगे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। ठीक है, एंड जो कैल्शियम से भी हैवी भी होते हैं। एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स फॉर डिस्कूट, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कूट होते हुए दे कुड नॉट फिटेड इन टू न्यूलैंड सॉफ्टवेयर, सर वो उनके शुरू वाले रिदम के अंदर सूट नहीं किए, नहीं सूट हो पाए। पहला देख, पहला तो ये क्योंकि न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स को बाल्ट एंड निकल सेम शॉट देख पा रहे हो गया। अरे कहाँ गए ये, उन्होंने दोनों को एक ही स्लॉट में रख डाला सर, ऐसे कैसे दोनों तो अलग अलग एलिमेंट हैं। एंड दिस पेज में सेम कॉलम है सोरेन, सोरेन और सोरेन लिखे हुए हैं, सोरेन लिखे हुए हैं, सोरेन सोरेन लिखे। एंड ब्रोमाइन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस एलिमेंट, और सर इन तीनों की, इन दोनों से कोबाल्ट निकल से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उन्होंने एक सीरीज में कैसे डाल दिया इनको, तो ये भी थोड़ा गलत। इनके ओनली इनके इनके ओनली इनके इनके ओनली इनके सिस्टम के अंदर आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन इन प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, आयरन जो कि कोबाल्ट और निकल से मिलता है थोड़ा सा, तो सुनना सही था। आयरन कहाँ पर है देखो, ऐसी 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 देखो, वो कितना दूर, देखो वो कितना दूर रख दिया है, वो कितना दूर रख दिया है, जो कितना दूर है जो कि इनसे मिलता जुलता है। तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन लोगों से मैं नहीं है, इसमें कमियाँ हैं, इसमें कमियाँ हैं। मेंटली पीरियोडिक टेबल सर अभी कौन आए, आते रहेंगे अभी तो लोग आएंगे जाएंगे। इन 1869 सर, वो 1867 में उनको अवार्ड मिला था, कब मिला था, एटीन इनसे पहले क्या, यानी इनसे पहले की बात है। इन 1869 डेमित्री, डेमित्री है ना, डेमित्री बोलेंगे, डेमित्री टा से उनके बोलते हैं, टा होता है, डिमित्री, डिमित्री इवानोविच, इवानोविक बोलो, इवानोविच बोलो, मेंडलेव, हम इनको सर मेंडलेव भी बोलेंगे, रशियन केमिस्ट, रशियन केमिस्ट, रशियन साइंटिस्ट थे दे, ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट नोन एट द टाइम, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स कलेक्ट हुए थे, डिस्कवर हुए थे, जिनके लोगों को पता चला था, वो 63 थे, उन्होंने सबों को अरेंज किया एट द टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, उन्होंने भी वो पुराने वाली फिलोसफी लगा डाला उनको, उनको उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सॉरी,
एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट वन आफ्टर द अदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। उन्होंने कहा ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक के बाद एक रखा गया सेम वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। मतलब ब्लैंक स्पेस वेयर द एक्सपेक्टेड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज वर डिस्टर्बड, दैट इज वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिड नॉट टैली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्लेस अबव। एक तो कह रहे एक जहाँ पर मैच नहीं करता वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, जहाँ पर किसी प्रॉपर्टीज में मिसमैच होता था हम वहाँ पे स्पेस क्या कह देते हैं स्पेस छोड़ देते थे। द एलिमेंट ऑफ दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। सिमिलर बताने क्यों 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 सिमिलर से प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाते हैं। ये कॉल दिस एज द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। उन्होंने इसको पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज बोले। ये प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, ये पी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पीरियड के रिपीट होती हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन दिस ही प्रोनाउंस अ लॉ, उसके बेस पर उन्होंने एक लॉ प्रोनाउंस किया जिसका नाम उन्होंने दिया मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, है ना। किसी भी एलिमेंट में जो पीरियोडिकली फंक्शन होते हैं, जो चाहे फिजिकली हो चाहे केमिकली हो, जो भी फंक्शन होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बीच में अटोमिक मास तो उनके अटोमिक मास तो उनके अटोमिक मास तो उनके अटोमिक मास की वजह से होता है। आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। हम बिना इसी के बाद से पढ़ें या फिर इसको पढ़ने के बाद, चलो पढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल, एक जर्मन में एक नॉर्मल जर्नल में पब्लिश हुई थी, एक जर्नल में नॉर्मल तो नहीं बोलते हैं। Element of that particular 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 group. उन्होंने एक letter use किया R, है ना, जो represent कर रहा था कि element है ना एक particular group से belong कर रहा है 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 इज रिटन एज आर एस फोर। यहाँ पे हाइड्रेट होता है वहाँ पे उसको लिखा आ गया आर एस फोर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेट ऑफ कार्बन सी एच फोर ऑक्साइड का है। अच्छा ऑक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप सी ओ टू, ये कुछ नाम दिए आज में समझ लेंगे नीचे। और ग्रुप 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 और ग्रुप। पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है ऐसे एलिमेंट्स का जो प्रिपेयर किया गया इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाए एक ही ग्रुप में आ जाए, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक। इसको पीरियोडिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल, क्योंकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही आते हैं या फिर फिक्स पीरियड की बात आते हैं, तो सिर्फ पीरियड से पीरियडिक बन गया एंड इट इज कॉल्ड अ टेबल। इसको टेबल इसलिए बोला गया बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबल फॉर्म और एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में किया गया इसलिए इसको पीरियडिक टेबल बोला गया। एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल इंपॉर्टेंट है शायद शायद है ना बहुत ज़्यादा शायद भी नहीं बहुत ज़्यादा। मैन और हॉरिजॉन और हॉरिजॉन और हॉरिजॉन और हॉरिजॉन और हॉरिजॉन्टल दो जिसको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। देर आर इन ऑल एट ग्रुप्स, वहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं एट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप वन से लेकर ग्रुप एट तक ईच ऑफ दिस ग्रुप्स फ्रॉम वन टू एट वन टू सेवन इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, ठीक है। एक ग्रुप में जोड़ के गए एक भी करके देखा होगा तो आपने। अब ग्रुप एट हैज नो सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप नहीं है। इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन इन एट दैट टाइम, ओके। उस टाइम पर इनर्ट गैसेस भी नहीं मिलते, उस टाइम पर भी इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुए जब ये टेबल उन्होंने बनाई, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ऑल एलिमेंट सब ग्रुप है ना
या फिर ग्रुप एट जिसके कोई सब ग्रुप है नहीं, उन सबों के क्या होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, उन सबों के सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि लिथियम है ना, पोटेशियम, जितनी भी इन सबों की प्रॉपर्टीज क्या सेम है। विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर फॉर अप टू ग्रुप एट। इट हैज सेम प्रॉपर्टीज एंड शो द सेम वैलेंसी। और जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का फॉर्मूला होता है, वैलेंसी का फॉर्मूला बताया है, इक्वल टू द नंबर नंबर फॉर अप टू ग्रुप फोर। केवल फोर ग्रुप तक आप उनके नंबर को ऐड कर सकते हो, और ग्रुप नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एट, या फिर आप एट में से माइनस कर दो, है ना। अगर आप फिफ्थ से लेकर सेवन तक सीरीज के लोगों का वो निकालना चाहते हो तो वैलेंसी, ठीक है सर, इनका क्या मतलब है जरा देखें जरा। दे नहीं। इसके बाद में बताऊंगा इसका कुछ होगा तो। इन अ पीरियड एल में, इन अ पीरियड, एक पीरियड में एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मैट्रिक टू नॉन मैट्रिक कैरेक्टर, और मैट्रिक और मैट्रिक कैरेक्टर डिक्रीज इज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कह रहे हैं एक पीरियड में तो एलिमेंट्स होते हैं ना, धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, कोई मेटल से नॉन मेटलिक बन जाता है, ठीक है, या फिर जो मैट्रिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता जाता है और लेफ्ट से लेकर राइट तक चला जाता है एक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रास्ते उसमें जरा देखते हैं, एक नज़र मारते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन में से नीचे आना चाहिए तो सेकंड रुकना, मैं देखूँ मेरिट्स हैं और कुछ नहीं है।